हाय फ्रेंड्स, मैं परंदीप खैर। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जसान वुरहन जी के एक वीडियो रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने मुझसे अभी हाल फिलहाल में हुए लेजेंड ऑफ चेस 2020 टूर्नामेंट के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। आई थिंक सेकंड राउंड की गेम है और यहाँ मुकाबला था यान नेपोमनियासी और डिंग लेरेन के बीच में। बहुत गजब का मुकाबला होना ही था। यान की इस गेम के दौरान रेटिंग है 2784, वही डिंग लेरेन की रेटिंग है 2791। फ्रेंड्स, हमने ऐसी पता नहीं कितनी गेम्स देखी हैं जिसमें हम उसके सब वेरिएशंस को, हम उसके कोई मूव चला गया तो क्यों चला गया, किस वजह से चला गया, हम ये नहीं समझ पाते। तो शायद ये गेम कुछ उसी तरह की कुछ गेम्स में से है और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ इसके कुछ सब वेरिएशंस को समझने की। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ सीधे इस गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ ने की e4 के साथ, तो e5 डिंगलेरेन ने किया, Nf3, Nc6, d4 स्कॉट गेम, e Xd4, Nx d4, देन Nf6 स्क्वायर पर Nxc6, Bxc6, और अगर Dxc6 होता है तो ब्लैक का यहाँ कैसे चांस खत्म होता। देन e5 नाइट पर अटैक है, तो नाइट कटना चाहिए था लेकिन ब्लैक ने क्वीन को e7 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन क्वीन e2 व्हाइट को करना ही पड़ेगा। देन नाइट d5 तो c4, दोबारा नाइट पर अटैक है। और फ्रेंड्स, पिन की इस तरह की गेम मैंने बहुत कम देखी है। पहले यहाँ जब व्हाइट ने नाइट पर अटैक बनाया था तो डिंगलेरिन ने पॉन को पिन कर दिया था, और अब जब व्हाइट ने या नेपोमनियासी ने दोबारा उस नाइट पर अटैक बनाया है तो ब्लैक क्या कर सकता है, अपने बिशप को a6 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ c6 पॉन को ही, c4 पॉन को ही पॉइंट पिन कर सकता है। यही काम यहाँ डिंगलेरिन ने किया था। बिशप a6, देन h4 f6, और अब क्या व्हाइट यहाँ e Xf6 कर सकता है, Nxf6 हो जाता, बिशप चलिए अगर लगा भी दे तो व्हाइट ब्लैक कैसल कर लेता। हाँ ठीक है, इस तरह से भी गेम बढ़ सकती थी लेकिन व्हाइट ने यहाँ रुको h3 स्क्वायर पर, ये कौन सा तरीका गेम को आगे बढ़ाने का। यहाँ ये सीधा डायरेक्टली रुक की एंट्री भी नहीं हो पाएगी तो जब तक ये नाइट यहाँ बैठा हुआ है। देन f takes c4, Bg5 स्क्वायर पर नाइट पर अटैक बना। और फ्रेंड्स, यहाँ नेपोमनियासी की यही प्लानिंग थी कि उन्हें किसी तरह से यहाँ ये e3 स्क्वायर से नाइट की रेंज को हटाना होगा। नाइट गया f6 स्क्वायर पर क्योंकि क्वीन पर अटैक था। देन रुक e3 स्क्वायर पर, d6 तो क्वीन f3, e4 क्वीन गई d1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक था इसलिए, तो d5 यहाँ ब्लैक ने किया। देन नाइट c3, अपने पीसेस को डेवलप करना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मान लो ब्लैक यहाँ पॉन एक्सचेंज द पॉन की लीड लेने की कोशिश करे। फाइल में 3 पॉन आराम से कभी भी लिए जा सकते हैं। बिशप b7 ब्लैक को शायद ये बात समझ में आ गई डिंगलेरिन को, ठीक है इनफ, उस बिशप ने जो अपना काम करना था वो कर चुका है, दूसरा काम करते हैं c takes d5। और अब मेरे ख्याल से ब्लैक के पास समय था कैसल, शायद कर भी लेनी चाहिए लेकिन अगर यहाँ कैसल होता है तो यहाँ ये गेम इस तरह से, तो रुक टेक c4 पहले यहाँ व्हाइट करेगा, ओके ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वीन पर अटैक होगा। और आप देख सकते हैं कि नाइट भी ब्लैक पिन होगा। चलिए, तो शायद इसीलिए अभी यहाँ ब्लैक ने कैसल नहीं किया। इट मीन्स यहाँ नेपोमनियासी किसी भी कीमत पर यहाँ डिंगलैंड को कैसल करने ही नहीं देने वाले। c takes d5, Bxf6, Qxf6, Nxd5, Bxd5, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ शायद कुछ मिसकैलकुलेशन हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वाइट बिशप को आराम से ले सकता है लेकिन अगर मान लो यहाँ यहाँ Qxd5 करेंगे तो बिशप b4 की चेक के बाद ये जो उनकी गेम की हालत होने वाली है उससे कौन निपटेगा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही होगा, किंग कहाँ जाएगा, किंग अगर ई फाइव सेकेंड रैंक में जाएगा तो क्वीन की एंट्री होगी यहाँ से, और फिर चेकमेट तो करना है, चेकमेट ही होगी, ठीक है चेकमेट होगी क्योंकि रुक भी सही जगह है, खैर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी रुक के, तो यहाँ किंग के लिए बचेगा। ओके, किंग अगर d1 स्क्वायर पर जाएगा भी इस चेक से बचने के बाद तो रुक यहाँ क्वीन को पिन कर चुका होगा, तो ये कोई ठीक मूव नहीं है। तो शायद इसीलिए आप कह सकते हैं कि यान ने इस बिशप को नहीं लिया था, या डिंग लेरिन ने इस बिशप को गिफ्ट किया था, ट्रैप था। बिशप b5 चेक, चेक देने की बारी यान ने बुनियादी की गई, मतलब चेक यान के पास भी। और एक बात क्लियर है कि यहाँ पॉन आगे पुश नहीं हो सकता अदरवाइज, ठीक है पिन पॉन का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बिशप या c6 स्क्वायर पर इस चेक को रोकने के लिए rook takes e4 check, फाइनली ये चेक भी आई, बिशप बीच में लगा और कुछ देर के लिए जो बिशप की चेक आनी थी उससे तो छुटकारा मिला।
तो पिन बिशप पिन हो चुका है, क्वीन गई डी फाइव स्क्वायर पर और यहाँ सी सिक्स बिशप पर और भी ज्यादा प्रेशर। रुक डी एट, लेकिन रुक डी एट ठीक है, क्वीन पर रुक आता है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी है। बिशप टेक्स सी सिक्स चेक, किंग गया एफ एट स्क्वायर पर और उसके बाद यहाँ यहाँ ने अपने इस क्वीन को बचा लिया है सी फोर स्क्वायर पर। और क्या अब यहाँ क्वीन टेक्स बी टू की ऑप्शन कंसिडर नहीं की जा सकती? की जा सकती है, अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो रुक चलो सी वन स्क्वायर पर आएगा और फिर सी सिक्स, और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि शायद सिचुएशन मैनेज हो जाएगी। किंग यहाँ बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगा, वाइट कोई ज़्यादा खास यहाँ चेक्स दे देगा, इतने आराम से दे नहीं पाएगा कर चेक्स वेक्स। चलिए छोड़िए, आइए देखते हैं गेम किस तरह से आगे बढ़ी थी। यहाँ ब्लैक ने बिशप डी सिक्स किया और यहाँ उन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि व्हाइट यहाँ अपने रुक को इस एफ फोर स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन को पिन ना कर दे। रुक डी वन और यहाँ क्या टेंशन हो सकती है, क्या यहाँ ये बिशप लिया जा सकता है? लिया तो जा सकता है लेकिन एक ही सूरत में, बशर्ते ब्लैक यहाँ अपने इस क्वीन को एफ सिक्स स्क्वायर या सिक्स रैंक से कहीं और लेकर चला। तो अगर मान लो यहाँ ब्लैक डिसाइड करता है कि वो अपने क्वीन को एफ सेवन स्क्वायर पर लेकर जाएगा तो उसके बाद रुक टेक्स डी सिक्स होगा, और ये रुक टेक्स डी सिक्स क्यों होगा? दो सूरतें हैं, अगर मान लो ब्लैक यहाँ करे सी टेक्स डी सिक्स तो उसके बाद रुक एफ फोर क्वीन पिन हो चुकी होगी, या फिर यहाँ रुक टेक्स डी सिक्स होता है तो उसके बाद रुक ई एट चेक होगा, क्वीन टेक्स ई एट, बिशप टेक्स ई एट, देन किंग टेक्स ई एट होगा, क्वीन टेक्स ई सेवन होगा। और अब यहाँ ये ठीक है, दो रुक के बदले में एक सामने क्वीन आ चुकी है, 3 पॉन्ड वर्सेस 5, 3 पॉन्ड वर्सेस 5 पॉन्ड, बहुत बड़ी लीड होगी यहाँ यहाँ ने अपनी अच्छी पास। तो जो इतना सिंपल दिख रहा था वो गेम, यहाँ गेम का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। यहाँ ब्लैक ने जी सिक्स किया और अपने किंग को एक सेफ कॉर्नर देने की कोशिश की, लेकिन इतने आराम से सेफ कॉर्नर नहीं मिलता। रुक डी थ्री, और फ्रेंड्स रुक के डी थ्री आने का मतलब हो गया है कि रुक अगले मूव में कहाँ आने वाला, आप यहाँ देख सकते हैं। किंग गया जी सेवन स्क्वायर पर, देन रुक एफ थ्री, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन टेक्स वीडियो, बहुत देर से इंतजार किया जाने वाला मूव था। रुक एफ सेवन चेक, और यहाँ जो बहुत ही मुश्किल से कॉर्नर ब्लैक के किंग को मिला था, वहाँ डायरेक्ट एंट्री व्हाइट की हो चुकी है, किंग के लिए बचा है सिर्फ और सिर्फ एच सिक्स स्क्वायर। देन अब व्हाइट यहाँ क्या करे, मेरे ख्याल से किंग को एफ वन स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को व्हाइट यहाँ को जरूर कंसिडर करना चाहिए था, बेटर हो सकती थी, कंसिडर किया भी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो यहाँ इस पोजिशन से अब ब्लैक क्या करेगा, कुछ चेक्स देगा, चेक्स देने के लिए चलिए रुक बीच में जाएगा, इनफ लीड है तो अफोर्ड की जा सकती है, लेकिन पता नहीं किन कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ यान ने किया था जी, ये मूव थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, इतना क्वेश्चनेबल भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ब्लैक का अटैक व्हाइट के ऊपर आ रहा है तो उसे थोड़ा संभल कर रखना चाहिए। व्हाइट की प्लानिंग क्या है? व्हाइट की प्लानिंग है यहाँ इस जी को से चेक देने की, उसके बाद बिशप को किसी भी तरह से यहाँ एफ थ्री स्क्वायर तक पहुँचाना है चेकमेट करने के लिए, सिंपल प्लानिंग। लेकिन क्या ये गेम इस तरह से बढ़ पाएगी, क्योंकि अभी लिंगलेरन के पास ओपन किंग है चेक देने के लिए, उन्होंने यहाँ चेक दिया अपने क्वीन से, उसको बी वन स्क्वायर पर लिया। आई थिंक क्वीन ए वन चेक की ऑप्शन थी, चली छोड़िए, क्वीन बी वन चेक अगर यहाँ हुआ तो किंग ई टू स्क्वायर पर, देन बिशप बी फोर, और फ्रेंड्स बिशप बी फोर ये आखिर डिंगलैरन ने किन कैलकुलेशन के हिसाब से किया? यहाँ ये बिशप ही किया जा सकता है, पहले अटैक को देखते हैं डिंगलैरन यहाँ क्या प्लान कर रहे हैं। वो यहाँ प्लान कर रहे हैं अपनी क्वीन से ई वन स्क्वायर से जाकर चेक देने की, और उसके बाद नॉट एग्जैक्टली वे यहाँ प्लान कर रहे हैं चेक मेट करने का। उन्होंने यहाँ ये डी फाइल ओपन की, ये काफी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, पहली नजर में वो नजर ही नहीं है, दिखते ही नहीं, नजर नहीं है। तो क्वीन टेक्स बी फोर, अगर मान लो यहाँ वाइट करेगा भी तभी तो ये बिशप सैक्रिफाइस किया था, क्वीन डी थ्री चेक होगा, उसके बाद किंग ई वन स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन डी वन चेक होगा और यहाँ ये मेट, कमाल है। चलिए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम आ गई है इस डी वन स्क्वायर पर, और ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व, यहाँ यहाँ ने अपनी याद सीखी कि उन्होंने अपने रुक को डी फोर स्क्वायर पर, उन्होंने कम से कम यहाँ सबसे पहले इस रुक की डी फाइल को क्लोज किया और अपने बिशप को एफ थ्री स्क्वायर पर ले जाने के रास्ते को ओपन किया। बस अब उन्हें समय चाहिए, दो मूव चाहिए चेकमेट करने के लिए जी को आगे बढ़ने के लिए। तो दो मूव फ्रेंड चेकमेट करने के लिए लगाना बहुत आसान है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब क्या क्या ऑप्शन है,
एक ऑप्शन है क्वीन बी टू चेक, क्वीन बी टू चेक होने के बाद किंग डी थ्री स्क्वायर पर चला जाएगा, देन रूक टेक्स डी फोर, क्वीन टेक्स डी टू चेक होगा, किंग पर जाएगा, क्वीन टेक्स डी फोर। चलिए सुनिए फ्रेंड्स, ये इंटरेस्टिंग नहीं क्या? हाँ, या दूसरी ऑप्शन है क्वीन ई वन चेक की, ये है कुछ, क्योंकि एफ थ्री स्क्वायर पर जाएगा, बिशप सी थ्री हो गया, और यहाँ ये अटैक बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जी फाइव चेक मान लो, अगर यहाँ वाइट करेगा भी, देन किंग एच फाइव स्क्वायर पर किंग जी थ्री, और ठीक है ब्लैक को अगर ये रुक लेना है तो ले, क्योंकि वाइट यहाँ अगले मूव में चेकमेट कर रहा है, लेकिन किंग की पोजिशन वाइट की थोड़ी सी ओपन है। क्वीन जी सॉरी क्वीन जी वन चेक, यहाँ मान लो ब्लैक करेगा भी तो किंग एच थ्री स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद कोई चेक्स भी तो नहीं आते, डेल्प ऑफ दिस बिशप, और चेक मेट करने के लिए वाइट के पास यहाँ बिशप और ये क्वीन भी होगी, तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ चेक मेट को बचाना। चलिए यहाँ रुक ई एट चेक, ये डिंगलैरेंड ने ऑप्शन को ऑप्ट किया, किंग एफ थ्री स्क्वायर पर गया, देन क्वीन एच वन चेक, बिशप पर तो कोई अटैक नहीं बना, वही पोजीशन अचीव होती जा रही है। या नेपोगनियात से की जो थोड़ी देर डिस्कस कर रहा था कि क्या जी थ्री स्क्वायर पर देन रुक ई थ्री चेक, चलिए सुनिए क्वीन जी वन चेक डिंगलैरेंड ने किया, एंड फाइनली किंग गया एच थ्री स्क्वायर पर, देन रुक ई थ्री चेक। मैंने इसीलिए वो मूव वापस ले लिया था क्योंकि वो आगे आना ही था, एफ टेक सी थ्री, क्वीन टेक सी थ्री चेक। बस यहाँ किसी भी तरह से ब्लैक इंटेंशन है इस ओपन किंग को किसी तरह से एक्सप्लॉइट करके इसको ड्रॉ करा दिया, लेकिन ड्रॉ होगा नहीं। चेक देने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि डबल अटैक तो बन रहा है, लेकिन बिशप एफ थ्री यहाँ पहले वाइट ने किया, और यहाँ इस मूव के बाद डिंगलैरेंड ने रिजाइन किया। फ्रेंड्स अब यहाँ ये किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि वाइट को अब बस एक मूव चाहिए चेकमेट करने के लिए, बस इसको यहाँ जी पॉन आगे पुश करना है और चेक, क्योंकि बिशप ने ब्यूटीफुली यहाँ ये डायगनल कवर की हुई है। डिंगलैरेंड बहुत हद तक कामयाब हुई, कामयाब खैर जीतना तो खैर यहाँ न्यासी हुई था, कामयाब मैं कहूँगा कि काफ़ी उन्होंने बहुत स्ट्रांग गेम खेली। उन्होंने यहाँ ये अपना बी फोर स्क्वायर पर डार्क स्क्वायर बिशप को सेक्रीफाइस किया, और यहाँ आप देखें कि यहाँ न्यासी का रुख को भी ट्रैप कर लिया, लेकिन ट्रैप का फ़ायदा क्या हुआ जब ब्लैक को यहाँ उनको डिंगलैरेंड को यहाँ चेकमेट हुआ। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम यहाँ जसवंत जी ने हम सभी लोगों को बताई थी, पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो और ये गेम तो बहुत पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल जैसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।